हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। यू नो लोग कहते हैं कि गलतियां करो तभी तो सीखोगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब तक हम सीखते हैं ना तब तक काफी देर हो गई होती है और उस वक्त हमें लगता है कि काश किसी ने हमें सही गाइडेंस दी होती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी गलतियां की। मुझे भी ऐसा लगा कि किसी ने अगर एडवाइस दी होती ना तो शायद मैं ये गलती ना करती। तो इसलिए मैं आज आपको वो 10 चीजें बताऊंगी जो मैं विश करती थी कि किसी ने मुझे बताई होती जब मैं 20 साल की थी। पॉइंट नंबर 1, पैसे बचाना। मैं बता नहीं सकती कि ये पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली मैंने ये बात समझी है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 3-4 साल पहले ही सेव करना शुरू किया है। तब तक मैं नहीं सेव करती थी। मैंने पिछले 3-4 साल में थोड़ी थोड़ी जगह पे इन्वेस्ट किया और मेरे को रियलाइज हुआ कि पैसे बचाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोचती हूँ कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब किसी ने मुझे ये एडवाइस दी होती तो अब तक मेरे पास कितने पैसे बच गए होते। एनीवेज, बेटर लेट देन नेवर। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली यंग लोगों को जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, सेविंग को ना शुरू से एक हैबिट बना लीजिए। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसी दिन आप एक छोटा सा अमाउंट ना कहीं सेव कर दीजिए। आप शुरुआत कर सकते हैं 1000 रुपए से। ये बहुत बड़ी रकम तो है नहीं, 500-1000 रुपए तो आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। ये इतनी छोटी सी अमाउंट है कि आपके अकाउंट से जब जाए ना आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब सेव होकर आपको मिले 5-10 साल के बाद तब ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा और उस दिन आप मुझे थैंक करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि यंग एज से ही आप सेव करना शुरू करें। ये एडवाइस मुझे तो किसी ने नहीं दी थी, अगर दी होती तो थोड़े पैसे और बचा लेती, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगी कि पैसे बचाना शुरू कीजिए। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सोचना ना बंद कर दो। अगर लोगों का सोचकर कोई डिसीजन लोगे ना तो जरूर रिग्रेट करोगे। 10 साल बाद ही करोगे, लेकिन करोगे जरूर। फिर बाद में कभी सोचोगे कि काश मैंने अपने मन की बात मानी होती, दूसरों की नहीं सुनी होती तो ये सब नहीं हुआ था मेरे साथ। तो ये सारे चक्कर से बचने के लिए हमेशा फॉलो योर हार्ट। यू नो 20-21 साल की उम्र में ना हम काफी पैशनेट होते हैं, हमको हर चीज ट्राई करनी होती है, हर चीज में एक्सेल करना है, लेकिन हर वो चीज जो हमने ट्राई की है उसमें एक्सेल करना तो मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीजों में आप एवरेज भी हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप क्यों ना अपने स्ट्रेंथ्स को पहचाने और उस पर फोकस करें। रिस्क लो, हमेशा रिस्क लो। उस एज में आप पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, ना तो पेरेंट्स की ना तो बीवी बच्चों की। आपके पास इतनी फ्रीडम होती है कि आप करियर रिस्क ले सकते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने का या फिर यूट्यूब चैनल शुरू करने का। आप देखते होंगे कि आजकल यंगस्टर्स इतनी कम उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वो अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप अपने ड्रीम को फुलफिल ना कर पाए तो कॉर्पोरेट जॉब तो है ही, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस एज में रिस्क ना जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद करियर में रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप पर आपकी बीवी आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उस वक्त करियर स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 20-21 साल की उम्र में रिस्क लेना ना बनता है। जितने लोगों से आप मिल सकते हैं, जितने सारे कनेक्शंस बना सकते हैं आप बनाइए। ये दुनिया जितनी बड़ी हमें लगती है ना उतनी बड़ी है नहीं, काफी छोटी सी दुनिया है और हर कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन किससे कनेक्टेड है और कौन कहां जाकर आपकी मदद करे। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट्स बनाना और कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन रखना। पता है अमेरिकन एक्टर केविन स्पेसी ने ना एक बहुत अच्छी बात कही है, सेंड द एलिवेटर बैक डाउन। उसका मतलब जब आप लाइफ में तरक्की करते हैं तब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊंचाई पर तो हमेशा अकेलापन रहता है, वहां आपके साथ तो कोई नहीं होता। इसलिए एलिवेटर को नीचे भेज दीजिए और बाकियों की मदद करिए ताकि वो सब भी उसी मुकाम पर पहुंचे जहां पर आप पहुंचे हैं। यानी लोगों को गाइड कीजिए, उन्हें मेंटोर कीजिए और आपके पास जो नॉलेज है ना वो बाकियों के साथ बांटिए। और इसी से ही रिलेटेड है मेरा अगला पॉइंट कि हमें ना खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर बनाना चाहिए। अक्सर हम ना दूसरों के साथ कम्पीट करते हैं और अगर हम उनकी तरह ना बन पाए तो मायूस हो जाते हैं। दूसरों से कम्पीट करने से बेटर क्यों ना हम खुद से कम्पीट करें, हर दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वैसे ये एक झटके में तो नहीं होने वाला, इसको वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। यू नो उस एज में हम इतने एम्बिशियस रहते हैं और पैसे कमाने की रेस में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते। यू नो जॉब करते करते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने इन 10 सालों में खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पर भी टाइम इन्वेस्ट करें। पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग कीजिए, गार्डनिंग पसंद है गार्डनिंग कीजिए, खाना पसंद है तो कुकिंग कीजिए। वो चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है और वो आपका मी टाइम होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि एवरी डे आप अपनी लाइफ में से आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें, आपको ना कंटेंट फील होगा।
एक चीज का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि मैं सामने वाले के लिए जो फील करती थी ना वो कभी बोलती नहीं थी, फिर वो इमोशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पर वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आए ना तो आप सीधा बोल दीजिए उसे कि देखो मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, और वैसे अगर आपको किसी की बात अच्छी लगे तो वो भी बोल दीजिए। यू नो आप जो फील करते हैं ना वो सामने वाले को बताना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पेरेंट्स को बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, वरना इतनी देर ना हो जाए कि आप कहना तो चाहो लेकिन वो आपके पास ही ना हो। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंजॉय द जर्नी। हम खुद के लिए गोल्स तो सेट कर लेते हैं कि मैं 5 साल के बाद ये करूँगा, 10 साल के बाद मैं उस पोजिशन पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन उस मुकाम तक पहुँचने की जर्नी को हम एंजॉय नहीं करते। और जब वो सेट गोल्स हम अटेंड नहीं कर पाते तब हम उदास हो जाते हैं क्योंकि हमने वो जर्नी ही एंजॉय नहीं की। हमें तो याद ही नहीं कि हमने क्या किया है, हमारा पूरा फोकस फिनिश लाइन पर था, हमने प्रोसेस ही एंजॉय नहीं किया। तो इसलिए वो छोटे छोटे विंस, वो छोटे छोटे फेलियर्स, उसे इग्नोर मत करो एंड ट्राई टू बी इन द मोमेंट। वेल ये थी वो 10 चीज़ें जो मैं विश करती थी कि किसी ने मुझे बताई होती जब मैं 20 साल की थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमने खुद ही सीख लिया। आप लोग मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तब तक के लिए बाय।